OnePlus Nord CE 4 5G स्मार्टफोन वर्सेस Nothing Phone 2A 5G स्मार्टफोन। भाई Nothing Phone 2A हमें देखने को मिल जाता है अभी 20 से 25 हजार के अंदर, और OnePlus Nord CE 4 5G स्मार्टफोन की बात को तो ये भी बताया जा रहा है कि 25 से 30 हजार के अंदर देखने को मिल जाएगा। यानी अगर मैं दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात को तो अप्रोक्स भाई 4 से 5 हजार का डिफरेंस देखने को जाएगा। 4 से 5 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो फर्स्ट रेल थी 20 हजार में मिल रहा था, तो उस हिसाब से आपको इजिली 4 से 5 हजार का देखने जाएगा। लेकिन जैसे कि बाद में बताया जा रहा है कि इसका जो प्राइस है वो ज्यादा होने वाला, तो उसके बाद में भी इनका जो प्राइस डिफरेंस है वो थोड़ा रह जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ना स्पेक्स की, तो वहां पर हमें इतना कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस देखने नहीं मिलता है। तो काफी सारे दोस्तों की डिमांड आ रही थी कि भाई इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन करो और बताओ कि अगर हमें इन दोनों स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन खरीदना हो तो वो कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो आज मैं दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं। एक तरफ होने वाला है Nothing Phone 2A 5G स्मार्टफोन, तो दूसरी तरफ होने वाला है OnePlus की तरफ से मिलने वाला Nord CE 4 5G स्मार्टफोन। दोनों स्मार्टफोन काफी अच्छे हैं, काफी बेहतरीन हमें देख हम जाते हैं। तो वीडियो यार काफी मजेदार होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप OnePlus Nord CE 4 5G स्मार्टफोन का किसी और दूसरे स्मार्टफोन के साथ भी कंपैरिजन देखना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग वगैरह और छोटी मोटी चीजों के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, अभी हम दोनों स्मार्टफोन की स्पेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से स्मार्टफोन में हमें क्या कुछ चीजें अच्छी देखने मिलती है। और शुरुआत करते हैं दोनों स्मार्टफोन के लुक एंड डिजाइन से। और लुक एंड डिजाइन की अगर मैं बात करता हूं तो Nothing Phone 2 हमें देखने जाता है ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ, जहां पर बैक में हमें यहां पर प्लास्टिक बैक हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। ट्रांसपेरेंट डिजाइन है जो कि इसकी कहीं ना कहीं खासियत भी हमें देखने को मिल जाती है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं इसके डिजाइन की, तो थोड़ा हम बॉक्सी डिजाइन हमें देखने को मिल जाता है। और इसके साथ ही अगर मैं फ्रंट साइड में आता हूं तो यहां पर मिड पंच होल डिस्प्ले देखने को जाती है। बेजल्स है भाई काफी हद तक यहां पर हमें कम देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले है एमोलेड डिस्प्ले देखने को जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। एंड यहां पर अगर मैं इसकी ब्राइटनेस की बात करता हूं तो यहां पर हमें देखने को मिल जाती है अप्रोक्स 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस। डिस्प्ले काफी अच्छी देखने को जाती है। डिस्प्ले में कलर्स हैं वो हमें काफी अच्छे देखने को जाते हैं। ओवरऑल जो डिजाइन है स्मार्टफोन का इसका वो हमें काफी अच्छा देखने को जाता है। जबकि बात करता हूं दूसरी तरफ OnePlus Nord CE 4 5G स्मार्टफोन की, तो ये स्मार्टफोन भी हमें काफी बेहतरीन डिजाइन के साथ आता है। बैक में एक अनोखा डिजाइन हमें देखने को जाता है और यहां पर हमें ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को जाता है। यहां पर दो कलर्स में आएगा ब्लू एंड ब्लैक, नॉर्मली अपनी भाषा में बात करें तो, लेकिन ब्रांड क्या नाम देने वाला है वो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। ग्लोजी बैक देखने को मिल जाता है यहां पर। और फ्रंट साइड में आता हूं तो मिड पंच होल डिस्प्ले देखने को जाती है यहां पर भी। बेजल्स है भाई यहां पर भी हमें काफी हद तक कम देखने को मिल जाते हैं। और जो डिस्प्ले है यहां पर भी एमोलेड पैनल के साथ आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें यहां पर भी देखने को मिल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था काफी कम बेजल्स है, जो कलर्स वगैरह आपको यहां पर देखने को मिलते हैं वो यहां पर आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। आउटडोर विजिबिलिटी रहती है डिस्प्ले की, वो भी यहां पर काफी अच्छी देखने को जाती है। देखो यार डिजाइन है ना, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं आपको कौन से स्मार्टफोन का पसंद आया, Nothing Phone 2A का या OnePlus Nord CE 4 5G स्मार्टफोन का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं इन दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्लेज की, तो काफी हद तक काफी केयर में डिटो ही कह सकता हूं, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं मे बी इनके डिजाइन की वजह से आपको लग सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इन दोनों स्मार्टफोन डिस्प्ले के कलर्स की, तो आपको कोई भी ज्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, एक जैसे ही डिस्प्लेज देखने जाएंगी। दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्लेज है, जो कलर वगैरह आपको प्रोवाइड करवाएंगी वो यहां पर काफी बेहतरीन देखने को मिलने वाली है। यानी भाई डिजाइन को छोड़कर डिस्प्ले हमें दोनों स्मार्टफोन में अच्छी और एक जैसी देखने जाती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहां पर जो इनकी डिस्प्ले वाला फैसला है भाई वो यहां पर हम मैच को टाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कैमरा की, तो कैमरा में कहीं ना कहीं हमें दोनों स्मार्टफोन अलग देखने जाते हैं, क्योंकि जो Nothing Phone 2A 5G स्मार्टफोन है ना वो हमें देखने जाता है 50 मेगापिक्सल ड्यूल रियर कैमरा के साथ, जहां पर हमें सैमसंग के सेंसर देखने जाते हैं। जो प्राइमरी कैमरा है वो भी हमें देखने जाता है 50 मेगापिक्सल का, जहां पर हमें सैमसंग का गैलेक्सी G9 जो सेंसर देखने जाता है। सेकेंडरी लेंस है वो भी 50 मेगापिक्सल का, जहां पर अगेन सैमसंग का G1 जो है सेंसर देखने जाता है। सेल्फी की बात करता हूं 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने जाती है। और यहां पर सोनी का लेंस देखने जाता है जो कि IMX615 देखने जाता है। दोनों ही तरफ अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी हमें देखने जाती है। जो रियर कैमरा है वहां पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने जाएगा, जबकि बात करता हूं सेल्फी की तो वहां पर सिर्फ हमें 1080p में ही वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं OnePlus Nord CE 4 5G स्मार्टफोन की, तो यहां पर 50 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा ही देखने मिलता है। जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है। यहां पर हमें सोनी का लेंस देखने जाता है IMX890, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर भी है सच बताऊं तो इस प्राइसिंग में, क्योंकि आपने देखा जितने भी स्मार्टफोन है ना जिनमें हमें सोनी के लेंसेज देखने मिलते हैं इस प्राइसिंग में, मैक्सिमम में हमें सेम ही सेंसर देखने जाता है। लेकिन दूसरा सेंसर की बात करूं तो वो 8 मेगापिक्सल का देखने जाता है, जो कि एक अल्ट्रा वाइड लेंस हमें
देखने जाता है। एंड सेल्फी की बात करता हूँ तो 16 मेगापिक्सल की हमें यहाँ पर सेल्फी देखने जाती है। यहाँ पर भी सेम एज इट इज आपको रियर कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने जाता है। देखो वैसे अगर मैं बात करता हूँ दोनों स्मार्टफोन के कैमराज की, काफी अच्छी खासी कैमरा क्वालिटी हमें देखने जाती है, चाहे मैं रियर कैमराज की बात करूँ या सेल्फी कैमरा की बात करूँ। लेकिन देखो सेल्फी की बात करता हूँ ना तो नो डाउट नथिंग फोन 2A की सेल्फी थोड़ी बेटर परफॉर्म हमें करती हुई देखने जाती है, लो लाइट की बात करूँ या डे लाइट की बात करूँ। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ रियर कैमरा की तो नो डाउट यार वहां पर OnePlus Nord CE 4 5G की हमें स्पेशली अगर मैं प्राइमरी कैमरा की बात करता हूँ तो काफी अच्छी खासी इमेज देखने जाती है, अल्ट्रा वाइड सोर्स है, अगेन आपको नथिंग फोन 2A में अच्छे देखने मिलता है। तो दोस्तों आप दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स आप माई डिस्प्ले पर देख सकते हो, और यहाँ पर भी अगर आप दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स देखोगे ना तो आपको इजिली पता चल जाएगा कि कौन से स्मार्टफोन में जो कैमरा क्वालिटी अच्छी देखने जाती है। मैं आपको जो ये सोर्स दिखा रहा हूँ प्राइमरी कैमरा की दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर आप देखोगे तो नो डाउट OnePlus Nord CE 4 5G स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी हमें काफी अच्छी देखने जाती है। अगर हाँ आपको अल्ट्रा वाइड सोर्स पसंद है तो आप नथिंग फोन 2A की कैमरा क्वालिटी भी देखोगे तो वहां पर आपको नथिंग फोन 2A की कैमरा क्वालिटी काफी पसंद आने वाली है। तो आप बताना आपको इन दोनों स्मार्टफोन के कैमराज में से कौन से स्मार्टफोन का कैमरा पसंद आया। देखो मैं आपको दो चीजें बता दूं, अगर आपको सेल्फी चाहिए काफी अच्छी एंड अल्ट्रा वाइड सोर्स खींचने तो नथिंग फोन 2A का कैमरा अच्छा है। लेकिन अगर मैं नॉर्मली प्राइमरी कैमरे की बात करूं तो वहां पर OnePlus Nord CE 4 5G का कैमरा में बेटर देखने में जाता है। परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो यहां पर नथिंग फोन 2A में देखने जाता है MediaTek Dimensity 7200 Pro चिपसेट के साथ। जबकि बात करता हूं यहां पर OnePlus Nord CE 4 5G स्मार्टफोन की तो ये स्मार्टफोन हमें देखने में मिल जाता है Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट के साथ। दोनों ही चिपसेट काफी पावरफुल हैं, दोनों ही चिपसेट की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं काफी अच्छे देखने जाते हैं। नथिंग फोन 2A का तो भाई हमने अपना एक रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया था, वहां पर बताया था कि हाल ही में पबजी में वहां पर कुछ इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो गेमिंग वाइज तो नो डाउट यार देखो दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट में भी फर्क देखने जाता है, और चिपसेट भी OnePlus Nord CE 4 5G में आपको थोड़ा पावरफुल देखने जाता है। तो गेमिंग में अभी हाल ही के टाइम को देखते हो भाई नथिंग फोन 2A तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, और इनमें से एक स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूं OnePlus Nord CE 4 5G स्मार्टफोन है ना थोड़ा चिपसेट वाइज भी हमें पावरफुल देखने जाता है, और अदरवाइज मैं गेमिंग की बात करूं चाहे PUBG खेलो या Call of Duty खेलो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है ना आपको OnePlus Nord CE 4 5G स्मार्टफोन में ही मिलने वाला है। लास्ट में फाइनली मैं बैटरी की बात करता हूं तो दोनों स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आते हैं, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो भी अगेन आपको OnePlus में ही अच्छी देखने मिलेगी क्योंकि वहां पर 100 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट मिल जाता है, जबकि नथिंग फोन 2A की बात करूं तो यहां पर सिर्फ आपको 45 वोल्ट का ही फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट देखने जाता है। तो यहां पर अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो नो डाउट यार ये भी OnePlus Nord CE 4 5G में हमें अच्छी देखने मिल जाती है। तो ये थे दोस्तों सारे फीचर दोनों स्मार्टफोन के जो कि मैंने आपको बताए, आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहां तक आपको देखने के बाद ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। देखो यार वैसे तो दोनों स्मार्टफोन में अच्छे देखने जाते हैं, दोनों स्मार्टफोन में जो फीचर्स हमें देखने मिलते हैं वो हमें अच्छे देखने जाते हैं, लेकिन बात आती है जहां पर हमें एक स्मार्टफोन खरीदने की तो नो डाउट यहां पर मैं अभी के टाइम पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा OnePlus Nord CE 4 5G स्मार्टफोन, क्योंकि इसमें आपको काफी सारी चीजें बेटर देखने जाती हैं एट ए टाइम की बात करूं तो। जैसे अगर मैं बात करता हूं परफॉर्मेंस की, बैटरी बैकअप की, स्पेशली अगर मैं प्राइमरी कैमरा की बात करूं तो वो भी आपको OnePlus Nord CE 4 5G में अच्छा देखने जाता है। हां अगर मैं बात करता हूं स्पेशली अल्ट्रा वाइड लेंस की या सेल्फी की तो वो थोड़ी आपको बेसिक नथिंग फोन 2 में देखने जाती है, लेकिन अगर आपको प्राइमरी कैमरा ही ज्यादा यूज करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप OnePlus Nord CE 4 5G स्मार्टफोन ही खरीदे, और बाकी डिस्प्ले वगैरह भी आपको OnePlus में ही अच्छी देखने जाती है। तो ज्यादातर फीचर हमें OnePlus Nord CE 4 में ही अच्छे देखने जाते हैं। तो मेरा तो यही रहेगा कि आप OnePlus Nord CE 4 5G स्मार्टफोन खरीदें इन दोनों स्मार्टफोन में से, कैसा लगा आपको कंपैरिजन कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आप इस स्मार्टफोन का दूसरे स्मार्टफोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, और कोई भी इशू हो इन दोनों स्मार्टफोन में से तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे में, जय हिंद।